नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरें। सवर्ण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण का फूंका गया पुतला। भीम आर्मी की रैली में सवर्ण समाज के साथ ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने और सवर्ण समाज के खिलाफ जहर उगलने से आक्रोशित सवर्ण समाज के लोगों ने एकजुट होकर भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर सहित तीन लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महोबा से अनूप सिंह की रिपोर्ट। किसका पुतला फूंका? ये भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण का पुतला था। ये जो समाज को छत विच्छत करने का प्रयास है अराजक तत्वों सांप्रदायिक तत्वों के साथ मिलकर के, एक कल एक देश का सांप्रदायिक तत्व जिसने वहाँ से कहा कि भगवान राम से बड़े कांची राम, ये एक हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास है, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और जो उन्होंने राजेश ब्राह्मण ने जो कहा कि हम जूता बनाना जानते हैं तो उसको चलाना भी जानते हैं, हम इसका विरोध करेंगे और पूर्ण कायदे तरीके से विरोध करेंगे। समाज को तोड़ने का प्रयास, इसको सफल नहीं होने देंगे। और प्रशासन से हमने एक ज्ञापन भी दिया है कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। इसलिए फूंका गया कि इसमें जो है लोकतंत्र में जैसे हर समाज की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी जाति विशेष को गाली देना, उसका अपमान करना, श्री रामचंद्र जी सभी के भगवान थे, सबको ही जानता है ये सब चीजें, उनको अगर हम गाली दें तो ये गलत बात है। इसी वजह से हमने इनका पुतला फूंका। वो अपनी समाज मोहब्बत हो रहा था, समाज तोड़ो आंदोलन चल रहा भीम आर्मी का, समाज को तोड़ करके बुरी तरीके से आपस में लड़ा करके वोट बैंक की राजनीति चल रही है। इन्होंने कहा बुलेट के बैंक के वोट बैंक के साथ बुलेट भी तैयार है, उसी का सब हम लोग सब हिंदू समाज इसका विरोध करते हैं, उसी के लिए आज इसका